तो हमने बेटा पिछली बार शुरू किया था टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट आ जाते हैं एंजाइम्स। सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से हैं? ठीक है, एक मैं एक कैटेगरी और लिखूं, डीएनए लाइगेसेस, फॉस्फेटेसेस। चलिए जी, पहले आ जाता है लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग एंजाइम्स आर दोस व्हिच हेल्प्स इन ब्रेकिंग द सेल वॉल, ओपनिंग ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल रिजिड है, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रप्चर हो ही जाती है, मैकेनिकली भी रप्चर हो जाती है, ठीक है, एंड टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। तो देयर आर वेरियस एंजाइम्स, लाइसोजाइम फॉर ब्रेकिंग बैक्टीरियल सेल वॉल, काइटिनेस फॉर ब्रेकिंग फंगल सेल वॉल, क्योंकि फंगल सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। सेलुलेसेस एंड पैक्टिनेसेस फॉर प्लांट सेल वॉल, ठीक है जी। सो दीज आर लाइसिंग एंजाइम्स। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लिएसेस। न्यूक्लिएसेस आर द एंजाइम्स, इसमें आ जाते हैं डीएनएस आरएनएस। डीएनएस विच कट डीएनए, आरएनएस विच कट आरएनए, सो दैट आर कॉल्ड एज न्यूक्लिएसेस, एक्सो न्यूक्लिएसेस। लेट अस से ये 5' to 3' एंड है और ये 3' to 5' एंड है, ये बेस पेयर्स है। एक्सो न्यूक्लिएसेस यहां से टूट गया, इसने यहां पे क्लीव किया, तो ये तो सब वैसे ही है, बट यहां पे एक जो बेस पेयर है वो सेपरेट हो गया, ठीक है। इस तरह से फिर यहां पे एक्ट करें, तो एक्सो न्यूक्लिएसिस क्या है? सेपरेट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स दैट आर एक्सो न्यूक्लिएसिस। उसके बाद आ जाता है एंडो न्यूक्लिएसिस। एंडो न्यूक्लिएसिस क्या है? कट डीएनए फ्रॉम एनी पॉइंट इन बिटवीन, अंदर से कहीं पे भी, दस फॉर्मिंग स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जो एक्सो न्यूक्लियस है वो तो एक-एक बेस पेयर सेपरेट करता है, जबकि एंडो न्यूक्लियस जो है कहीं पर भी, यहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे अटैक कर दिया, जिससे ये छोटी छोटी सेगमेंट्स बन गए। जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर नाइट्स और मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये जो है दीज कट डीएनए इनसाइड बट एट स्पेसिफिक साइट्स, हर जगह पे नहीं, स्पेसिफिक साइट से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काटती है।
they always act on, इससे act करते हैं palindromic DNA. पैलिंड्रोमिक ये नहीं कि पूरे का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल जो बड़ा सा है उसको सारे का सारा पैलिंड्रोमिक, नहीं पूरे डीएनए में कोई छोटा पार्ट पैलिंड्रोमिक है. फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बट यहाँ बीच में जी ए ए टी टी सी, और अगर इसके देखो सी टी टी ए ए जी, दिस इज पैलिंड्रोमिक डीएनए विच इज रेड फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड इन द सेम मैनर. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. दिस इज पैलिंड्रोमिक डीएनए. एंड एक एंजाइम है इको आर आई, मैं अभी बताऊंगी वो कहाँ पे एक्ट करता है, हमेशा जी और ए के बीच में एक्ट करता है. तो इको आर आई जो एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको पता है कि मुझे इसी पर ही कट लगाना है और जगह पर नहीं लगाना. इज इट ओके? ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस है, हम डिटेल में करेंगे. डीएनए लाइगेसेस विच ज्वाइन DNA segments. इसलिए DNA ligase को हम और क्या बोल देते हैं, these are also called as molecular glue. Glue you know, जो चिपकाती है. ठीक है, then phosphatases. Phosphatases they remove phosphoric acid from cut ends of DNA. So this is phosphatases. ठीक है जी, तो ये different enzymes है. पहले हम इनकी, इसमें से हमने mainly किसकी बात करनी है, सबसे important enzyme है restriction endonuclease, जिसके बगैर biotechnology possible ही नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं. ठीक है, दिस इज द यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी विच हेल्प्स इन डूइंग जेनेटिक इंजीनियरिंग. राइट, पहले ये लिखो और फिर आगे. फॉस्फेटेज ऑलवेज एक्ट एट 5' end. Always act at 5' end. If the phosphoric acid or phosphate group is removed, if the phosphoric acid or phosphate group is removed then the cut ends of the DNA cannot be ligated. Then the cut ends of the DNA cannot be ligated. ठीक है जी, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमने डिटेलिंग करनी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस, और इसको इसकी एब्रिविएशन मैंने नहीं बनाई, ये है ही है आर ई मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. पहली बात तो कि हम इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना है, लिखना बाद में है. दे आर कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एज दे
restrict the growth of bacteriophages in bacteria. Bacteriophages means phages, but not viruses. Bacteria, the viruses which infect bacteria are called as bacteriophages. Okay? So it means, therefore, restriction endonucleases are the defense mechanism of bacteria against viruses. Second है, ये मैं क्या बता रही हूं, why they are called as restriction enzymes. They act at specific sites called as restriction sites. ठीक है, तो ये हमेशा रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे एक्ट करते हैं, इसलिए हमें को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट है, कब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कब पता चला. ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का 1963 में, इन ईयर 1963, two enzymes were isolated from bacteria. दो main enzymes bacteria में से isolate किए गए थे, which are responsible for restricting growth of growth या division of bacteriophages. दो enzymes isolated. कौन से दो enzymes थे? First enzyme या हम कहेंगे one enzyme. फर्स्ट जरूरी नहीं, फर्स्ट और सेकंड कुछ नहीं है. वन एंजाइम क्या फंक्शन था? एड्स मिथाइल ग्रुप टू द बैक्टीरियल डीएनए. बैक्टीरियल डीएनए में जगह जगह पे उसने मिथाइल ग्रुप ऐड कर, और सेकेंड एंजाइम था द अदर वन क्लीव्स डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेजेस at specific site. And these, ये जो second one है, so these enzymes जो cut कर रहा है are called as restriction endonucleases. और यहां पे restriction endonucleases बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर रहा है, बट अपने डीएनए को कट नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अपने डीएनए पे ये एक एंजाइम था जिसने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया. जो मिथाइल ग्रुप है वो उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज
रिस्ट्रिक्शन साइट को नहीं पहचान सकते। तो यहाँ पे स्टार डाल के पॉइंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक्ट्स ऑन बीपी, मैं लिख रही हूँ, कोई और नहीं लिखता है, बैक्टीरियोफेज आपने पूरा लिखना है, बैक्टीरियोफेज डीएनए, बट नॉट ऑन देयर ओन डीएनए। क्यों अपने डीएनए पे क्यों नहीं? एज द रिस्ट्रिक्शन साइट्स of its own DNA have methylated bases. Methyl group किसने किया? Enzyme one ने, methylated bases due to which these restriction sites are not recognized by restriction endonucleases. Okay, so due to which the restriction sites on its own DNA are not recognized by restriction endonucleases, right? इसलिए जो है, जो restriction endonuclease है, अपने पे नहीं आता। उसके बाद third point आ जाता है, first restriction endonuclease discovered, okay अभी discovered या isolated was कौन सा था? In B2 किसने किया था? By Arbor and Nathans in 1965 and got Nobel Prize in 1970. सरकार को इतनी देर बाद जो है उसका पता चला कि क्या है ये, और देखो 65 में उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, एक्टिविटी बता दी थी, बट 1978 में जाके उनको नोबल प्राइज, राइट? ठीक है, हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये आर्बर एंड नेथन्स ने किया, 65 में आइसोलेट किया, बट उसके बाद करेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर, इट वाज characterized 5 years after its isolation. तो कर लिया, बट उसके बाद characterized इस enzyme के क्या characters है, ठीक है, और ये कहाँ पे act करता है, ये 5 साल बाद पता चला, ठीक है जी। So, 1965 में आइसोलेट हुआ और 5 साल बाद 1970 में जाके इसने काम किया और 1978 में जाके इनको नोबेल प्राइज, राइट? ठीक है, करो पहले ये लिखो फिर मैं और आगे बताऊं। हम बात कर रहे हैं बेटा In D2, it was isolated from bacteria. पहली बात तो restriction enzymes कहाँ से मिलेंगे?
बैक्टीरिया से, फ्रॉम बैक्टीरिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आर बी स्ट्रेन, ये नाम है बैक्टीरिया का। एक एक्सॉन डीएनए हैविंग सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, जीटीसी जीएसी, जी टी सी जी ए सी, फाइव प्राइम थ्री प्राइम थ्री प्राइम सी ए जी सी टी जी। एंड दिस एंजाइम वर्क्स इफ एक्स बिटवीन, अगर हम ये देखें it acts between C and G. So in D2 acts on the DNA having sequence this and cuts DNA between C and G. So फिर हमेशा दो सेगमेंट्स बन जाएंगे, जी सी पी ए सी जी, जी सी ए टी सी जी। ठीक है जी, ये दो, एंड दीज टू सेगमेंट्स हैव, दीज टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैज ब्लंट एंड्स। मैं अभी आपको ब्लंट एंड्स क्या होते हैं आपको खुद बता दू। ठीक है, ये था इन डी टू। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि दस इट इज क्लियर दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस आर सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया ओनली as a defense against bacteriophages। ठीक है जी, now presently ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ, अब तो इससे ज्यादा भी आ गए हैं। ठीक है, प्रेजेंटली वी नो अबाउट 900 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, एक बैक्टीरिया में एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम टू 230 स्ट्रेन्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया।
ठीक है, ईच ऑफ विच जितने भी एंजाइम्स है 900, ईच ऑफ विच रेकोगनाइज डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट। आपने हर एंजाइम की अलग से रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, जिसको हम और क्या बोल देते हैं, रेकोग्निशन सीक्वेंस। याद रखना, कहीं पे लिख लेना कि रिस्ट्रिक्शन साइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेकोग्निशन सीक्वेंस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से ये देखो, मोस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस फ्रेगमेंट्स विद स्टिकी एंड्स। आप कहोगे कि यहाँ पे हमें बता दिया ब्लंट एंड्स, यहाँ पे मैम बता रही है स्टिकी एंड्स। क्या है ये स्टिकी एंड्स, क्या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया ताकि आपको पता चले कि इससे नीचे की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इको आर आई, आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया आइचर्शिया कोलाय, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम आइचर्शिया कोलाय। ठीक है, इसका रेकोग्निशन सीक्वेंस कौन सा है? इस एंजाइम का रेकोग्निशन सीक्वेंस ऑल मतलब इट इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम हिन टू का, तो इसका है जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी। इको आर आई ऑलवेज कट बिटवीन G and A of recognition sequence, हमेशा इसमें यहां पे और यहां पे एक्ट करना। तो अब देखो, ध्यान से देखना, यहां पे एक्ट किया ये है G, यहाँ पे क्या रह गया, यहां से इसने ऊपर वाला स्ट्रैंड एक्ट कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया, टी टी ए ए, और दूसरी फ्रेगमेंट जो है ठीक है ना, और दूसरी फ्रेगमेंट क्या है, नीचे से E, P, P, E. These are the two fragments having unpaired bases. These unpaired bases are called as sticky ends. Right? ये देखो, एक ये fragment बन गई, एक ये फ्रेगमेंट बन गई, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, दो फ्रेगमेंट्स बन गई जिनके स्टिकी एंड्स है। स्टिकी एंड्स मींस अनपेयर्ड एंड्स, और यहाँ पे अब आपको पता चल गया क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड एंड्स नहीं है, इसलिए अब हमने क्या कह दिया, दीज आर फ्रेगमेंट्स विद ब्लंट एंड्स।
इज इट ओके और नॉट? समझ में आई बच्चों? यस मैम. एवरीबॉडी? यस मैम. अगर एसिमेट्रिकली काटे, अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एसिमेट्रिकली काटे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एड्स. अगर वो सिमेट्रिकली काटे देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एड्स. राइट? करोगे? We come to naming of the restriction enzymes. जैसे हमने कहा in B2, it has, पहले समझना है, फोर नेम्स. फर्स्ट नेम जो है ये फर्स्ट नेम, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. फर्स्ट नेम कहां से आता है? डिराइव्ड फ्रॉम, या फर्स्ट लेटर of bacteria from which it is isolated. Second name जो है, second name from species of bacteria. Third name from strain of bacteria. And fourth name, sequence in which it is isolated. देखो, hemophilus, यहां पे H, it comes from hemophilus. In, from influenza. Then B from strain RB. Two, it is isolated on second piece. इससे पहले एक और एंजाइम आइसोलेट हुआ होगा, फिन डी वन जिसको कह दिया, बट हम कहते हैं इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड. आइसोलेट तो पहले कोई हुआ होगा, बट हिंडी टू की फंक्शनिंग इसमें ज्यादा काम हुआ, इसके बारे में पहले पता चला, बट ये आइसोलेट सेकंड नंबर पे हुआ. ठीक है? सो अनदर इज, अब अगर हम आ जाए इको आर आई, तो इको आर आई जो है that is, it is isolated from E. coli or Y strain. Eichersia coli or Y strain. Then, Eco R2. Eco R2 again from E. coli, but जो स्ट्रेन है यहाँ पे R245 है, ये अलग स्ट्रेन है तो E. coli है, but स्ट्रेन क्या है? That is R245. उसके बाद है HindD3. एक तो HindD2 तो मैंने बताई दिया, HindD3 अगेन है, वही है हीमोफाइलस
influence our D strain. Another enzyme is, you know, that is ECORI हमने कर लिया, BAM, LU1 कर ली. Another is LU1. And the bacteria is Arthrobacter nucleus. इसमें स्ट्रेन नहीं बताई, Arthrobacter nucleus. ठीक है, इतने नाम आपको पता होने चाहिए. वैसे तो समावन, BAMH1, this that, बहुत सारे. ठीक है जी, इसमें जो HIM-B2 है, इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड. ECORI, इट प्रोड्यूसेस sticky ends. ECORI2 again blunt ends. HIM-B3, it also produces sticky ends. Another is ALU1 sticky ends. ठीक है, बहुत सारे मैंने अभी बताया, 900 तकरीबन जो है वो restriction enzymes isolate हो गए हैं from 230 strains of bacteria. Most of these, मैं हमेशा नहीं कहती, most of these acts on, you know, specific sequences and produce sticky ends. But many restriction endonucleases, they produce blunt ends also. Is it right? ठीक है जी. अच्छा, पहले जगह अगर ये नहीं लिखा तो ये जगह छोड़ दो इसके लिए, और नीचे जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो. Each RE कैसे एक्ट करते हैं? Each RE functions by इंस्पेक्टिंग द पूरे DNA को. पहले इंस्पेक्ट करते हैं कहां पे क्या कुछ है. इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए DNA सीक्वेंस, लेंथ ऑफ ए DNA सीक्वेंस. सेकेंड पॉइंट कीजिए, when it finds its specific recognition sequence, comma, it will bind to the DNA. It will bind to the DNA and cut each of the two strands. Each of the two strands of double-stranded DNA at specific points in their sugar phosphate backbones. कहां से काटते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं तोड़ते हैं, फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड्स तोड़ते हैं. इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, दस क्लीविंग फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स आर ऑलवेज, द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स आर ऑलवेज पैलिंड्रोमिक डीएनए. इट इज ऑलवेज पैलिंड्रोमिक डीएनए. इज इट ओके? ठीक है, तो अब ये लिख लो फटाफट से.
मैम आप म्यूट हो। स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमने क्या लिया, हमने फॉरेन डीएनए लिया, या पहले हमने लिया वेक्टर डीएनए। Let us see. ये सारा वेक्टर डीएनए हमने खोल के दिखा दिया आपको कि यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जी ए ए पी पी सी, ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस है और से इससे आगे ये था जो भी था, राइट। अब इस पे किसने एक्ट किया, इको आर आई ने, तो अगर हम देखें ये जो बाकी की है, ये वाली सेगमेंट ये जो है और ये आगे ये खत्म हो गई, ये हमें चाहिए नहीं, हमें यही चाहिए। हमें यही फ्रेगमेंट चाहिए थी, हमें इसके आगे वाली यहां से ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें डिस्कार्ड कर, ठीक है। दूसरी तरफ इसी तरह से यहां पे क्या है, ये था वेक्टर और ये है फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट। इसमें भी क्या है, जी ए ए टी टी सी, अगेन यहां पे एक्ट किया और यहां पे, और ये वाली जो फ्रेगमेंट है ये डिस्कार्ड हमने कर दी, कटी गई थी ये डिस्कार्ड कर दी, और बचा क्या, ए ए टी टी सी। राइट अब यहां पे देखो कि ये फ्रेगमेंट, ये स्टिकी है, ये स्टिकी है, इसको हमने इससे जोड़ दिया कैसे, डीएनए लाइगेस, ठीक है। तो क्या बना, देखो
ये जी तो है ही है, उसके बाद क्या आ गया? ए ए पी पी सी जी, और यहां पे सी टी टी ए एंड हियर Can you get me? So this is now RDM. या हम इसको और क्या बोलेंगे? Chimeric DNA. The two sticky ends they get joined with each other. ठीक है? यहाँ पे हम ये तेरे तो ये दो स्टिकी एंड्स जो थे ये वाले इसके साथ जुड़ गए, ए ए टी टी, ये ए ए टी टी इसके साथ जुड़ के बाकी था. सो दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ काइमेरिक डीएनए. इज इट क्लियर कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या बनाते हैं? That is sticky ends बनाते हैं, और sticky ends का क्या फायदा है? Is it clear to everybody? Yes, ma'am. ठीक है, करो ये बना लो फिर जल्दी से. ठीक है, so we will do up to this today, और इसके आगे हम next time करेंगे. और जिन स्टूडेंट्स ने आज मैं फिर दोबारा से या कल सुबह का मैं एक बार टेस्ट जो है जो ह्यूमन हेल्थ वाला है कल सुबह 10 to 11 वाले टाइम में आई विल रीअसाइन, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले. मयंक एंड अर्नव यू विल गिव द टेस्ट टुमारो एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दैट. ओके.